हाय फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ये वीडियो आप सभी फुल देखिएगा, तभी यानी कि जान पाएंगे कि हमारे राउटर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो हम कैसे अपने घर पर जो कि सेटअप कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? फाइनली मैं आपके एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि फ्रेंड्स हम वाईफाई हमारे पास है सिबुसू का, तो फ्रेंड्स उसमें एक और बिग प्रॉब्लम जो कि आ चुका है और जो कि वो लान बटन होता है WLAN जो कि बटन होता है, तो वो बोल रहे थे कि क्या है, तो उस पर वीडियो बनाए, प्लीज आपका चेकअप करिएगा। और फ्रेंड्स वही बटन जो कि हमारा बंद हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा मोबाइल का कोई भी मोबाइल का जो कि नेट होता है ना वो कट जाता है, तो हम कैसे यानी कि उसे ठीक कर सकते हैं और कैसे जो कि अपने मोबाइल फोन में फिर से वाईफाई चला सकते हैं। फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे राउटर के साथ, तो आप सभी को मैं लाइव के साथ जो कि दिखाऊंगा एक एक स्टेप फ्रेंड्स कि वो कैसे जो कि हम सेटअप करते हैं, जो कि वो हो जाता है तो मैं कस्टमर केयर में बात करा तो वहाँ से बहुत ही सेटिंग करता है, तो वो सभी भी मैं आप सभी को वीडियो में यहाँ पर जो कि बता दे रहा हूँ, रिकॉर्ड तो लगा दूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ पर फ़ोन करा तो मैं बोला कि वो लान बटन काम नहीं कर रहा है और उसके बाद हमारे कोई भी मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई कनेक्ट नहीं है, तो हम होम गेटवे तो नहीं खोल सकते तो क्या करें, तो वो बोला जो कि सेटअप वटअप मिला है वहाँ पर, जो कि वो नंबर पूछा जिस नंबर से रजिस्टर होता है वो और उसका यूजर नेम और बता दिया, और वो बोला कि नहीं हो सकता यहाँ से जो कि आप कोई प्रॉब्लम जो कि राउटर में हो चुका है, यानी कि बोले ना कि क्या करे थे कि राउटर होता है उसके ओनली पासवर्ड चेंज करे थे तो वो प्रॉब्लम आ गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा जो कि कभी कल हो जाता है, तो वो बोला कि आप सबको रिसेट भी करना पड़ेगा, तो चलिए फ्रेंड्स वही मैं रिसेट करा हूँ और उसके बाद सेटअप भी करा हूँ, जो कि टोटल जो कि क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता दिया हूँ जो कि लाइव के साथ। तो फ्रेंड्स प्लीज आप सभी इस वीडियो में आप सभी जान जाएंगे कि आपके साथ भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपके मोबाइल का वाईफाई डायरेक्ट नहीं कट गया, अथवा बोलिए ना कि आपका राउटर को लान बटन जो कि नहीं बोल रहा है, तो जो कि बैक साइड का बटन होता है वो प्रेस करेंगे अथवा क्लिक करेंगे तो आ जाता है, मगर वो नहीं आ रहे थे, तो कस्टमर केयर में बात कर तो ऐसा ऐसा जो कि बता दिया कि रिसेट करना पड़ेगा आपका राउटर में जो कि आप कोई प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स वही जो कि सेटअप करके मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप फुल वॉच करिएगा और बिना स्किप के देखना, क्योंकि स्किप कर देंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही सारे मैं स्टेप वहाँ पर बताया जो कि सेटअप करने के, और तो आप सब इनकी नहीं बुझ पाएंगे। और फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप रिसेट करते हैं ऐसे ही करके जो कि रिसेट कर अपने राउटर को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो बने रहे और मैं अपने जो कि राउटर के पास जो कि बैक कैमरा के लिए चल के और पूरे जो कि स्टेप बाई स्टेप आप सबको सिखा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी, तीन जो कि Q&A वीडियो में बना चुका हूँ तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ फ्रेंड जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें आप सभी को बहुत सारे जो कि प्रॉब्लम एक जो कि Q&A वीडियो के माध्यम से आप सभी को मालूम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो बने रहे और देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास राउटर है, तो यहाँ पर देखिए आपसे वन बटन है वो काम नहीं कर रहा है, जो कि आपसे देखिए इंटरनेट इसमें है और इसमें जो कि हम सेकंडरी राउटर देते तो चलते हैं, मगर यहाँ पर हमारे वाईफाई में ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट है कि यहाँ पर बटन भी आपको दिख रहा होगा, जैसे में हम वन बटन पर यहाँ पर प्रेस भी करते हैं तो क्लिक भी करते हैं तो ये काम नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक ये वन बटन सॉरी जो ऑनलाइन बटन है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, जो कि ऑटोमेटिक वो तो जो कि ऑटोमेटिक लिंक और पावर और इंटरनेट बटन ओनली जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना होगा, जो कि ये अब नहीं हो रहा है तो कस्टमर केयर से भी बात करा, आप सभी जो कि रिकॉर्ड सुन ही लिए मैं वहाँ पर लगा दिया हूँ, तो चलिए इसे हम रिसेट कर देखते हैं कि ये सेटअप होता है या नहीं होता है, आप सभी इनकी वीडियो बने रहे और कंटिन्यू और देखते रहिए। इसे अब हम रिसेट करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, तो चलिए आप सभी लाइव में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिसेट पर जो कि हम प्रेस करके रखेंगे तो ये बॉल ऑटोमेटिक से जो कि रिसेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल 3 बॉल जो कि जल रहा है, जो कि 4 इंटरनेट वाला मिलाकर, और देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कि रिसेट हो चुका है, जो कि सब बॉल यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, आप इनकी लाइव के साथ देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक से ये बॉल इनकी जल गया और ऑटोमेटिक से थोड़ा देर बाद जो कि रिसेट होकर ऑटोमेटिक से पावर आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, डायरेक्ट जो कि उसे प्रेस करके रखिएगा और प्रेस करके रखने के बाद देख लिए आप सभी इनकी बॉल इनकी सब इनकी जल रहा है, तो चलिए पावर आ गया और उसके बाद वीडियो बने रहे। और ये मैं वीडियो को फ्रेंड्स ऐसे ही जो कि रहने देता हूँ, स्किप नहीं कर दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए मैंने देखिए ऑटोमेटिक वाला बॉल जो कि ब्लिंक करने लगा और यहाँ पर लिंक वाला भी बॉल जो कि बल गया,
और उसके बाद अब यहाँ पर भी जो कि इंटरनेट वाला पर आएगा तो हमें सेटअप करना होता है, जो कि रिसेट के बाद जानते ही है जो कि सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप भी मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा लाइव के साथ, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो बने रहे कंटिन्यू और देखते रहिए। थोड़ा फ्रेंड्स लंबा वीडियो हो जाएगा, मगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट आप लाइव के माध्यम से जो कि कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और चलिए आप ऑनलाइन बटन आ गया, आप इनकी देख लिए ऑनलाइन बटन भी जो कि आप ब्लिंक कर रहे थे एक बार, और ये ऑटोमेटिक जो कि बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन बटन आ चुका है। अब डायरेक्ट इनके हम मोबाइल जो कि वाईफाई जो कि अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो होगा। तो चलिए एक मोबाइल लेकर मैं आपको लाइव के साथ दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो कि मोबाइल आ चुका है, और यहाँ पर वाईफाई में यानी डायरेक्ट इनकी प्रेस करके देखेंगे कि ये काम कर। देखिए फ्रेंड्स आरजे जो कि वाईफाई है, ये हमारा एनदर वाईफाई है, और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये रिसेट करने के बाद ये एलहन वाला जो कि वाईफाई नेम आ जाएगा, आप इनकी देख रहे हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो फ्रेंड्स इसे पासवर्ड जो कि हम क्या डालेंगे तो ये कनेक्ट होगा। आपसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक राउटर का जो कि बैक साइड में एक पासवर्ड होता है, यही पासवर्ड जो कि हम डालेंगे ना तो एक कनेक्ट हो जाएगा। आप सभी देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो कि वही पासवर्ड है, वाईफाई की लिखा हुआ है जो कि UYM जो कि लिखा हुआ है, वही जो कि वाईफाई की डालेंगे और तो ये कनेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डालकर देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर सेम पासवर्ड डाल दिए, और डालने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ही कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट पर फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एलहन वाला जो कि आईपी एड्रेस लिख दिया, उसके बाद नो इंटरनेट फिलहाल बता रहा है, और यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ऐसे ही करके हम कोई भी मोबाइल में जो कनेक्ट कर सकते हैं, मगर फ्रेंड्स ये अभी सेटअप नहीं हुआ है। और सेटअप करने के लिए क्रोम ब्राउजर अथवा कोई ब्राउजर के ले लीजिएगा, और सबसे पहले जो कि उसका आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.254 जो कि यहाँ पर डालकर लॉग इन। चलिए यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का जरिए डायरेक्ट यानी कि हम ओपन करेंगे। आप सभी क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद चलिए यहाँ पर मोबाइल को मैं यहाँ पर रोटेट कर दे रहा हूँ, और सबसे पहले जो कि वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर वाईफाई आपसे यही जो कि वाईफाई हमारा कनेक्ट होगा, आप इनके ध्यान से देखिए जो कि एलन वाला जो कि यहाँ पर बता रहा है जो कि यही रिसेट करने के बाद हमारा कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर पासवर्ड उसका डाल दिया हूँ, और डालने के बाद एक कनेक्ट हो गया। और चलिए यहाँ पर अब इससे हम क्या करेंगे यानी कि होम गेटवे डालकर जो कि उसका लॉग इन करेंगे। तो आपसे इनकी लाइव के साथ देखते रहिए, और मैं यहाँ पर मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूँ, और रोटेट करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैमरा को थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा दिखेगा आप सभी को। और चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस होता है, और यहाँ पर डालेंगे 192.168.1.254। तो चलिए यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस यानी कि डालेंगे, और डालने के बाद हमारा राउटर का जो पेज है वो ऑटोमेटिक से जो कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आ रहा है, आप इनकी लाइव के साथ देख रहे हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है यूजर नेम और उसका पासवर्ड। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि यूजर नेम में हम एडमिन जीपीओन देंगे, आप ध्यान से देखिएगा जो कि एडमिन जीपीओन स्क्रीनशॉट में मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो जो कि लिखा हुआ आ रहा होगा सेम एडमिन जीपीओन दे दीजिएगा। और पासवर्ड में फ्रेंड जब भी हम राउटर को रिसेट करते हैं ना, तो क्या होता है कि रिसेट करने के बाद उसका डिफॉल्ट पासवर्ड ALC-FG होता है, वो सेम लिखेंगे तब कनेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो रूट नहीं सका बैक साइड का पासवर्ड होता है वो भी हम रखेंगे तब भी कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हम बैक साइड का पासवर्ड रखेंगे ना तो वो कनेक्ट जो कि होगा ना तब भी जो कि उसका ऑप्शन नहीं आएगा विलेन आई सेट करने के लिए। तो चलिए ALC-FG से हम कनेक्ट करेंगे, तो आपके साथ लाइव के साथ मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम एडमिन जीपीओ लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर पासवर्ड पर ALC-FG वाला डिफॉल्ट पासवर्ड देंगे ALC-FG। देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देख लिया, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ की लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा राउटर यहाँ की ओपन हो जाएगा, आप इनके ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पर राउटर लॉगिन हो गया, और हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, जो कि हमारा राउटर लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर रनिंग टाइम भी आप देख सकते हैं 0:16 फिलहाल जो कि रिसेट करे हुए हुआ है, और कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर डायरेक्ट नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सभी जो कि वॉइस इन्फॉर्मेशन वाला आ गया। नेटवर्क वाला जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि वन का, आप ध्यान से देखिए, तो इसी वन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। वन वाला ऑप्शन पर फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और न्यू टैब जो कि ओपन हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, इसी में सभी जो कि सेटअप करना है। अभी फिलहाल देखिए आप इनकी राउटर का वन बटन ब्लिंक कर रहा है तो कनेक्ट हो रहा है, मगर इंटरनेट वाला बटन अभी फिलहाल रुका हुआ है, आप इनकी लाइव से देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मैं बता दूँ कि यहाँ पर विलेन आई डी का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर 881 जो कि लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी विलेन आई डी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका विलेन आई डी क्या है, आपका स्टेट का जो कि आप जहाँ पर रहते हैं उसका विलेन आई डी क्या है, आप एक बार कस्टमर केयर में बात करिएगा, वो 20 से बता देगा, तो वही विलेन आई डी यहाँ पर आकर जो हम सेट करेंगे। तो चलिए हमारे जगह का जो कि विलेन आई डी यहाँ पर सेट करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने विलेन आईडी रख दिए है आपका स्टेट का, जो कि देख लीजिएगा क्या विलेन आईडी है, पहले से सेट होगा तो ठीक है, नहीं तो 800 कुछ बन गया होगा जो कि आप देख लीजिए। तो चलिए फिर यहाँ पर रखने के बाद एक बार सेव पर डायरेक्ट की क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स ये क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये राउटर जो कि सेव हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इंटरनेट वाला बत्ती जो कि जलने लगा, आप इनकी लाइव के साथ जो कि देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये कैमरा भी जो कि शो कर रहा है, यहाँ पर इंटरनेट आ गया, मगर फ्रेंड्स ये हमारा वाईफाई नहीं चलेगा। क्या है कि जो को वहाँ पर माइक एक सेट करना पड़ता है, या फिर इनकी लाइव के साथ देख लीजिए जो कि इंटरनेट वाला बत्ती जो कि यहाँ पर जल रहा है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अभी तक फिलहाल हमें वाईफाई का नेम एक और सेटिंग करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वो सबसे पहले जाइएगा, और जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इस वाईफाई का जो कि नेम है सबसे पहले वो आप चेंज कर लीजिए, जो आप नेम रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। चलिए आप अपने हिसाब से जो कि हम नेम रख लेते हैं, दूसरे फ्रेंड्स अपने नेम रख दिए अपने हिसाब से, और नेम रखने के बाद यहाँ पर अनिश जी लिख दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ का इसका पासवर्ड भी जो कि फ्रेंड्स आप चेंज कर लीजिएगा, क्या कि अपने हिसाब से जो कि पासवर्ड रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर इस पासवर्ड को हम चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से जो कि अपना पासवर्ड रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने हिसाब से जो कि पासवर्ड रख दिए है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप सभी जो कि शो पासवर्ड कर एक स्क्रीन शूट भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन शूट कर लेंगे तो आप इनके कनेक्ट करने वक्त जो कि कोई भी मिस्टेक होगा तो आप इनकी भूल नहीं पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिए, नेम भी जो कि सेट कर लीजिएगा आप सभी, और यहाँ पर अनिश जी लिख दिए, और इसके साइड का ये दो सेटिंग आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर शो पासवर्ड पर जो कि आप नए हिसाब से जो पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपका ये राउटर दिख रहा है इसी राउटर का जो कि पासवर्ड कोई भी आपको कनेक्ट कर लेगा तो आपका वाईफाई जो कि और भी जो कि होम गेटवे कुछ भी खोल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब डायरेक्ट सेव वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। सेव वाला पर फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल का देखिए वाईफाई जो कि हट गया, और यहाँ पर डायरेक्ट फिर से हम यहाँ पर बता दूँ कि अब वाईफाई में इनकी डायरेक्ट फिर से जाएंगे, और यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड इनकी रख कर हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर रख कर कनेक्ट कर अनिश जी चुके आ चुके हैं, और यहाँ पर फिर से इनकी हम पासवर्ड रखते हैं जो कि दिए थे वही, और फ्रेंड देखिए यहाँ पर पासवर्ड से हम दिए तो वही रख दिया, और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स कनेक्ट पर क्लिक करेंगे जो कि कनेक्ट हो चुका है, मगर आप अभी तक जो कि ये इंटरनेट नहीं आया हुआ है, जो कि बिलिंग ही कर रहा है, आप इनकी लाइव के साथ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिलिंग कर रहा है तो हमें क्या करना होगा कि एक बार इसे जो कि पावर ऑन ऑफ आप कर लीजिएगा, और करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो कि इंटरनेट हमारा चलने लगेगा, और नहीं चलेगा तो फ्रेंड्स एक बार आप कस्टमर केयर में बात करिएगा ज़रूर, आप बोलेंगे नमस्ते सुमित टेक्निकल सपोर्ट बटन और अभी गुप्ता बोल रही हूँ। हजू नमस्ते, हजू चाहिए सुनो सर, मैं चाहे बारह जिला सिंहगढ़ ठरा बोल रही अनि मैले चाहिँ एउटा राउटर रिसेट गरे, सबै सेटअप पनि गरिदिए, अनि त्यसमा चाहिँ नेट अहिलेसम्म आइरहेको छ। राजन नमस्ते माइनस P2 FTTS राजन कुमार दास, हो हो सर त्यही हो त्यही हो। भिलेन आइडी सर कति राख्नु भयो त्यहाँ? युजर के भिलेन आइडी सर, भिलेन आइडी ए भिलेन आइडी सर 1484 राखे। यो चाहिँ राउटरले सर अफ गर्नु पर्छ हैन? ए यो हजुरको म्याक अपडेट पाउँछ यसमा चल्छ, यो लगभग 5 मिनेट रेस्टमा राख्नुस् अनि त्यसै अन गर्नुस् चल्छ सर। यसो ए करिब करिब 5 मिनेट लाग्छ सर, यो एकछिन रेस्टमा पनि राख्नु राम्रो हुन्छ, रेस्टमा राख्नु सर। ए कति मिनटसम्म छ हजुर? कति मिनटसम्म राख्ने रेस्टमा त्यसलाई? 5 मिनटलाई अफ गरिदिनुहोस् न। ए माइक चाहिँ हजुरले चाहिँ मिलाइदिए हजुर, माइक चाहिँ मिलाइदिए हजुरले सर। हजुर हामी यहाँबाट चाहिँ अपडेट गर्दैछौँ, त्यो रेस्टमा राख्नुहोस् है सर, 5 मिनट पछि आउनुहोस्। ल ल सर म गर्दैछु। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर राउटर को हम ऑन ऑफ कर दिए है, अब देखते हैं कि कितने देर में जो कि हमारा नेट उठाता है। आप इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लिए कि मैं कैसे कैसे बात कर रहा, आप सभी वैसे कर लीजिएगा, और करने के बाद ऑटोमेटिक से आपका नेट कनेक्शन आ जाएगा। तो चलिए देखते रहिए फ्रेंड्स कितने देर के बाद हमारा राउटर जो कि यहाँ पर इंटरनेट चलता है, एक्सेस जो कि हम कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक जो कि बल्ब लिंक करने लगा, उसका लिंक का भी आ जाएगा, और उसके बाद इधर आप देख रहे हैं जो कि इंटरनेट और वो लाइन वाला भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। तो चलिए देखते रहिए, आप इनकी लाइव के साथ देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड लाइव में बने रहिए, थोड़ा लम इससे भी बारह जो कर दे रहा हो तो ये अच्छा दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वो लाइन वाला हमारा आ चुका है, और वाईफाई भी आप डायरेक्ट क्योंकि अब कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस बार वाईफाई को हम ऑन ऑफ कर देते हैं, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए ऑन ऑफ करने के बाद ये ऑटोमेटिक से हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, और इंटरनेट बल्ब जो कि बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप इनकी देख लीजिए।
तो चलिए अभी देखते हैं कि कितने देर बाद जो कि हमारा इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यानी कि लाइव के साथ देख लिए हमारा नेट जो कि आ चुका है और यहाँ पर सब कुछ जो कि हमारा इंटरनेट वाला बटन जो कि ब्लिंक करने लगा। और वैसे ही फ्रेंड्स, आप सब यानी कि कर जो कि कॉल कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं यूट्यूब प्ले कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए डायरेक्ट यानी कि यहाँ पर हम यूट्यूब को अपने यानी कि ओपन करते हैं यानी कि। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसे छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छा रहेगा दिखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब पर आ चुके हैं और YouTube में आने के बाद हमारा जो है YouTube चैनल देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही फास्ट जो कि हमारा YouTube चैनल चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी जो कि सर्च करेंगे तो डायरेक्ट यानी कि आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्च करने के बाद जो कि हमारा जो कि चैनल लोगो आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कैसा लगा, आप इनकी लाइव के साथ देख लिए कि वह लान बटन जो कि हमारा काम नहीं करेगा, तो हम ऐसे ही कर जो कि अपने राउटर को सेटअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिएगा और साथ में मेरे चैनल संतोष परन नए दे चैनल को जरूर सर्च कर सब्सक्राइब करिए क्योंकि फ्रेंड्स हम वाई फाई रिलेटेड टू रिलेटेड मोबाइल ऐप रिलेटेड सभी प्रकार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा और आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी वाई फाई रिलेटेड टू रिलेटेड कोई प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज में जो है वहाँ पर सभी प्रकार वीडियो बनकर रेडी है, वहाँ से आप सभी देखकर अपने मोबाइल राउटर या यूपी चैनल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कोई भी सलाह सुझाव तो प्लीज़ नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर लिखिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो उस संबंधी वीडियो बनाकर जल्द अपने चैनल से अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को मैं लंबा ना करते यही पेन करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।